प्राकृतिक आपदा की वजह से एमपी के किसानों का नुकसान हुआ है। आज इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। श्रीमान जी, इनू डिवाइड करके वेखियो भला, एक परिवार नू लगभग 4571 रुपये वंडे आ रहे ने, ते एक परिवार नू जेकर कणक दा आटा मुल लेना पै गया, जदों फसल मर गई आटा कणक दा मुल लेनी पैगी ना, ते जदों कणक दा आटा अज दे भावां दे मुताबक मुल लेना पै गया ना, ते इह वध तो वध 1.5 क्विंटल आटा अज दे भाव मुताबक आना है, तो किसान नू फसल 6 महीने बाद आनी है, बाकी खर्चे किसान कितों पूरे करेगा। हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देश के हर किसान के लिए उपलब्ध कराने के लिए हमने नियमों में भी बदलाव किया है। अब किसानों को खेती से जुड़े कामों के लिए आसानी से आवश्यक पूंजी मिल रही है। ये तो बहुत लंबे समय तो प्रक्रिया चली आ रही है, सानू कर्जाई करने वास्ते कर्जा देने की, वक्-वक् सरकारां ने सानू एक क्रेडिट कार्ड कदे किसी ना थले कदे किसी ना थले एक कर्जा दिता गया, जिहड़ा कर्जा अज किसानां लई खुदकशी का कारण बनिया होया है। एक कर्जा तुसी सानू होर दे रहे हो, एक किड्डी कि बड़ी सानू तुसी नियामत चीज़ दे रहे हो कि बहुत बड़ी चीज़ देती किसानों नू। सो कृपा करके किसानों नू समर्थ करन दी इहदा यतन करो, किसानों नू उहनां दी फसल दा भाव दिओ ताकि किसान समर्थ हो जाण, उहनां नू कर्जा लेना ही ना पवे। मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपको कानून में किस क्लॉज में क्या दिक्कत है बताइए, जो भी दिक्कत है वो आप बताइए। सब तो पहली प्रॉब्लम यह है कि इन्हां कानूनों के राही राज्यां दे अधिकारां दे विच दखल अंदाजी की गई है गैर कानूनी ढंग दे नाल भारत सरकार वालों। पहला सब तो पहला नुक्स यह है। दूसरा नुक्स यह है इहदे विच कि तुसी सरकारी मंडी दे पैरलर मंडी बनाउण दा यतन कर रहे हो, क्यों नहीं सरकारी मंडी दे विच ही प्राइवेट प्लेयर नूं फसल खरीदण लई कहा जांदा। बड़ा चंगा हुंदा ये प्राइवेट मंडी बराबर मंडी खुल बनाउण दी बजाय पैरलर मंडी बनाउण दी बजाय जे किते कीता हुंदा कि प्राइवेट प्लेयर जाके मंडी दे विच्चों ही फसल खरीदण और वह भी MSP तो उपर जाके खरीदण, घट ना खरीदण। जिहड़ा MSP तो घट रेट ते खरीदे उहदे खिलाफ़ कार्रवाई करन दी गल हुंदी तां मन लैंदे चंगा। तुसीं उहनूं प्राइवेट मंडी दे के की कीता है, इह प्राइवेट मंडी दे विच्चों व्यापारी माल खरीदेगा, किसान नूं 2 साल वास्ते वध रेट देवेगा। जदों किसानां नूं फसल दा रेट 2 साल लई वध दित्ता गया ते अंदर बैठा व्यापारी दा ढांचा जिहड़ा मंडी दा जिन्ना सिस्टम है सारा 2 साल दे विच तहस नहस हो जूगा। वड्डा नुक्स इहदे च इह है कि तुसीं इह कह रहे हो कि जेकर प्राइवेट व्यापारी प्राइवेट प्लेयर तुहाडे जिहड़ा फसल खरीदण वास्ते आया है, अगर उहदा ते किसान दा डिस्प्यूट बनदा है तां कोर्ट नहीं जा सकदा। कोर्ट जाण दा रस्ता बंद करना ही अपने आप विच एक बहुत वड्डा सबूत है कि देश दे किसानां नूं लुट्टण वास्ते लुट्टे जाण वास्ते प्राइवेट प्लेयर दे हत्थां दे विच देण दी सरकारां दी इह इस कानून दे राही नीति है और इस तरीके दे नाल किसानां नूं लुट्टिया जाणा। श्रीमान जी, इस करके इह कानूनां नूं वापस लैणा बणदा, वापस लो। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की, किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP हमने दिया। तुसी कहा है कि ऐसी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की है, बड़ा दुख होया है सुन के कि साढ़े देश का प्रधानमंत्री भी झूठ बोल लेंदा है, ये दुख होया है। तो तुहाड़ी सरकार ने 2015 दे विच फरोलो आपदे कागज़ उदों एक एफीडेविट दिता है, जिस एफीडेविट दे विच ये कहा गया है
कि अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करती तो बाजार के अफड़ा तफड़ी का माहौल बन जू, देश के अंदर उथल पुथल मच जू, ये कहा जी लागू करने की तुम गल करते हो। जे सचियों लागू करती तो फिर एक काम होर कर दौ, जे लागू की है तो सानू भी यकीन आ जू, घट्टो घट नोटिफिकेशन दे जारू कर दौ। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है कि सरकारी मंडी दे विच ही क्यों नहीं व्यापारी खरीद सकता। किसान जे जावे बाहर बेचने वास्ते तो तुसी व्यापारी नूं क्यों नहीं कहिंदे कि तू सरकारी मंडी च जा जिहड़ी चल रही है? मतलब ये निकलता है कि तुसी सरकारी मंडी दे पैरलर प्राइवेट मंडी सिर्फ इस वास्ते लिया रहे हो कि हौली 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 किसानों दूसरे दूसरे सिस्टमों की तरह जिमें जियो ने सैलवन मारिया, जिमें प्राइवेट होस्पिटल ने सरकारी होस्पिटल मारे, जिमें प्राइवेट स्कूलों ने सरकारी स्कूल मारे, जिमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ने सरकारी ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क किया, इस तरह तुम साडा मंडी का ढांचा खत्म करवाना चाहते हो। यदा मतलब की निकलता है कि देश के किसान आप मारना चाहते हैं। सरकार को मना कर ही छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, मना कर, हाँ चाहे इससे भी ज्यादा हो, ठंड ठंड की कोई परवाह नहीं। चाय पी रहे हैं, मजे ले रहे हैं और मोदी को बताएंगे कि ये हम जीत के ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इन्हें कालो कानून वापस करा के ही जाएंगे। अच्छा, हाँ इससे पहले हम नहीं जाएंगे वापस। ठंड हो तो हो, हम तो यहाँ ही रहेंगे, दिल्ली जाएंगे यार। डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाने का हमने फैसला किया, उसको नाम दिया गया है किसान एकता मोर्चा। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ट्विटर, हर जगह पे हर किसी शरारती अंसर को काउंटर करेंगे जो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा।